अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम टूर करेंगे सैमर मरला हाउस फॉर सेल ऑन कैश बहरिया फेज 8 अबू बकर ब्लॉक। व्यूअर्स, फ्रंट एलिवेशन का आपको व्यू करवा रहे हैं। फ्रंट एलिवेशन में यहाँ पे आपको टोटल रॉक वॉल वर्क किया गया और टेम्पर्ड ग्लास यूज किया गया है, विंडो इंस्टॉल की गई हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं अगर आपको व्यू करवाता हूँ तो आप पूरे फ्रंट एलिवेशन को देख सकते हैं। इस साइड पे इसकी कारपेटेड स्ट्रीट 40 फीट की स्ट्रीट है। कार रैंप, यहाँ पे कार रैंप पे आप एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इस साइड पे यहाँ पे इसका लश ग्रीन गार्डन एरिया, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा खुश्क हो गया। तो इस साइड पे यहाँ पे 3 लाइट दी गई हैं, वोम लाइट दी गई हैं। मेन गेट में आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील लोअर मिल जाती हैं और टोटल आयरन यूज़ किया गया है। व्यूअर्स, इंटर होते हैं यहाँ से हम मेन कार पोर्च में। कार पोर्च में यहाँ पे आप एक सेडान गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, एक छोटी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। गैलरी में यहाँ पे एक बाइक खड़ी कर सकते हैं। इस साइड पे यहाँ पे आपको नीचे जो नज़र आ रही है टाइल, ये स्टोन छोटे पीसेस यूज़ किए गए हैं। और इस साइड पे इसकी गैलरी, गैलरी यहाँ पे मोस्टली घरों में आपको गैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे गैलरी एक्स्ट्रा लैंड होने की वजह से छोड़ी गई है। ऊपर यहाँ पे सीलिंग में खूबसूरत लाइट इंस्टॉल की गई है, सीलिंग स्पॉट लाइट यूज़ की गई है। और इस साइड पे वुड वर्क किया गया वॉल पूरी पे। दो स्टेप दिए गए हैं, दो स्टेप जो ही यहाँ पे, दो स्टेप मेन डोर आप देख सकते हैं। मेन डोर से हम इंटर हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया मेन डोर में। इंटर होते ही इस साइड पे आपको स्टेयर्स ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए ड्राइंग रूम, और इस साइड पे इसका एक आ जाता है बेडरूम, टीवी लाउंज, सामने इसका किचन और साथ एक साइड पे एक बेडरूम। व्यूअर्स, टोटल इसमें 5 बेडरूम हैं, 2 बेडरूम ग्राउंड पे हैं और 3 बेडरूम ऊपर दिए गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। इंटर हो जाते हैं, यहाँ पे 8 फीट हाइट डोर दिए गए हैं, बहुत खूबसूरत सॉलिड डोर है। व्यूअर्स, इस साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो दी गई है, एक बड़ी विंडो, 2 छोटी विंडो दी गई हैं। और यहाँ पे इसके डोर खूबसूरत सॉलिड डोर दिए गए हैं। ऊपर सीलिंग में सीलिंग स्पॉट लाइट यूज की गई हैं, 2 लैंप लगाए गए हैं वॉल पे। साथ यहाँ पे एक डोर दिया गया है, 2 डोर दिए गए हैं, एक सामने यहाँ पे इंटर आप हो सकते हैं मेन डोर और इसका एक वॉशरूम का डोर। व्यूअर्स, वॉशरूम में इंटर होते हैं, सामने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत टाइल दी गई है, कमोड यूज किया गया, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक ऊपर हाइटेड टाइल यूज की गई है। वेंटी सेटअप दिया गया, वेंटी सेटअप आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत वेंटी सेटअप दिया गया है। यहाँ पे कैबिनेट्स बनाई गई है फ्लोर से लेकर सीलिंग तक, इसे अटैच कर दिया गया। ये आप बेडरूम देख रही हैं, इस बेडरूम में मैं इंटर हो गया हूँ। मैं यहाँ से अगर बाहर निकलता हूँ तो यहाँ से हम इंटर होते हैं इस बेडरूम में। ये ड्राइंग रूम का और ये बेडरूम का, बेडरूम में इंटर हो जाते हैं। जो हम बेडरूम में इंटर होते हैं, सामने यहाँ पे देख सकते हैं खूबसूरत टाइल यूज की गई है। ऊपर सीलिंग की बात करें, सीलिंग में वुड वर्क किया गया है, SK कंपनी का फैन इंस्टॉल किया गया। वॉल पे दोनों साइड पे आप देख सकते हैं लैंप लगाया गया है। और सामने इसकी वार्डरोब, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक वार्डरोब, यहाँ पे एलिगेंट शीट यूज की गई है। वार्डरोब में स्लाइडिंग वार्डरोब इंस्टॉल की गई है, खूबसूरत सामने डोर दिया गया है। व्यूअर्स, आ जाते हैं इसके सामने टीवी लाउंज के एरिया में। शैंडिलियर, 2 SK कंपनी के फैन इंस्टॉल किए गए हैं और एक यहाँ पे लैमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो दी गई है। यहाँ पे आते हैं सामने इसका मीडिया वॉल साइडों पे आप देख सकते हैं शीट यूज़ की गई है। सेंटर में इसका यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये वुड वर्क किया गया, नीचे एक कंसोल बक्स दिया गया जहाँ पे शीट यूज़ की गई है। साथ ही आपको इसका यहाँ पे किचन मिल जाता है, किचन के साथ इसका बेडरूम, बेडरूम में इंटर होते हैं। सामने यहाँ पे एक विंडो दी गई है और वॉल पे ऊपर 2 लैंप हैंग किए गए हैं। सीलिंग में खूबसूरत स्पॉट लाइट यूज की गई है, सीलिंग स्पॉट लाइट, बैक लाइट यूज की गई है। SK कंपनी का फैन इंस्टॉल किया गया है फ्लोर से लेकर सीलिंग तक। यहाँ पे वार्डरोब, स्लाइडिंग वार्डरोब और साथ ही यहाँ पे एक विंडो मिल जाती है। और साथ इसका वॉशरूम, वॉशरूम में इंटर होते हैं। वॉशरूम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कमोड, ऊपर एक विंडो दी गई है, शावर एरिया, मोजैक टाइल यहाँ पे यूज की गई है। फ्लोर से लेकर सीलिंग तक टाइल यूज की गई है। वेंटी सेटअप, वेंटी सेटअप में आप देख सकते हैं नीचे, अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये शीट यूज की गई है, यहाँ पे टाइल यूज की गई है। ऊपर आपको यहाँ पे रैक मिल जाते हैं, सिंपल सा यहाँ पे मिरर इंस्टॉल किया गया। डोर खूबसूरत 8 फीट हाइट डोर दिए गए हैं। साथ ही हम इंटर हो जाते हैं इसके
किचन में। व्यूअर्स किचन इंटर होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वुड वर्क मिलता है, ये जो आप देख रहे हैं बैक लाइट यूज की गई है, वुड वर्क यहाँ पे ग्लास वर्क किया गया है। ऊपर यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का पाइप यूज किया गया, ये जो आप देख रहे हैं तीन लैंप यहाँ पे ऊपर हैंग किए गए हैं। शीट यूज की गई है, स्पॉट लाइट यूज की गई है। ऊपर सीलिंग, सबसे पहले सीलिंग हम देख लेते हैं, सीलिंग में वुड वर्क किया गया है, ग्लास वर्क किया गया है, सीलिंग स्पॉट लाइट यूज की गई, एक बड़ा लैंप हैंग किया गया है। सामने यहाँ पे आपको इसका डोर बाहर गैलरी की तरफ, सिंक, ये जो आप टाई यहाँ पे शेल्फ देख रहे हैं, पूरी शेल्फ पे ग्रे नाइट यूज किया गया है। यहाँ पे मोज़ेक की टाइल यूज की गई है, बर्नर, किचन हुड इंस्टॉल है। अब अगर हम कैबिनेट्स की बात करें, ऊपर और नीचे वाली कैबिनेट्स जो है एलिगेंट शीट यूज की गई है। व्यूअर्स यहाँ से मैं आपको व्यू करा देता हूँ। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे वुड कलर में टाइल दी गई है। यहाँ पे हम आ गए हैं जिसकी बैक साइड पे गैलरी वाले एरिया में। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से सामने भी आपको आप व्यू कर सकते हैं। और इस साइड पे खूबसूरत डोर दिया गया है, लॉन्ड्री के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और हम वापस ऊपर ले चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे। व्यूअर्स यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप स्टेयर के नीचे देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस छोड़ी गई। यहाँ पे आप प्लांटर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेयर 3.5 फीट वाइड स्टेयर दी गई है, साथ एक विंडो दे दी गई है। और स्टेयर जो है ये ग्रेनाइट यूज़ किया गया, साइडों पे स्टेनलेस स्टील पाइप यूज़ किया गया, यहाँ पे एक विंडो दे दी गई है। व्यूअर्स ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे हम आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक आपको बेडरूम इस साइड पे मिल जाता है जो हम स्टेयर से ऊपर इंटर होते हैं। यहाँ पे आपको इसका सेकंड बेडरूम, सामने थर्ड बेडरूम, किचन और यहाँ पे टीवी लाउंज, सेम आपको इसी डिज़ाइन में आपको ग्राउंड पे मिलता है। व्यूअर्स यहाँ पे आप इसका टेरेस एरिया पे यहाँ पे आप 3 से 4 चेयर लगा सकते हैं। इस साइड पे स्ट्रीट व्यू। व्यूअर्स सामने यहाँ पे आपको ऊपर छत पे जाने के लिए स्टेयर दी गई हैं। सबसे पहले इस बेडरूम में इंटर हो जाते हैं, बेडरूम में इंटर होते हैं, सामने यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन वाली है जो आप विंडो देख रही हैं, और साथ ही एक बड़ी विंडो दी गई है। इस वॉल पे दो लैंप हैंग किए गए। सीलिंग की बात करें, सीलिंग में सीलिंग स्पॉट लाइट यूज की गई है, इसके कंपनी का फैन इंस्टॉल किया गया। अगेन इसके डोर खूबसूरत सॉलिड डोर दिए गए हैं। सामने इसका वॉशरूम, व्यूअर्स वॉशरूम में इंटर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर में टाइल दी गई है, जेट ब्लैक वाइट कलर, जिसमें मतलब लाइट ब्राउन कलर भी यहाँ पे दिया गया। सामने इसका शावर एरिया, कमोड एरिया। इस साइड पे अगर हम आते हैं तो इसका खूबसूरत वेंटी सेटअप, सिंपल सा मिरर दिया गया है, ऊपर रैक बने हुए हैं। और स्पेस की बात करें तो आपको आइडिया हो गया होगा कि काफी स्पेस यहाँ पे वॉशरूम में दी गई है। व्यूअर्स इंटर हो जाते हैं, इसके साथ यहाँ पे जो आपको बेड मिलता है, इस बेड में हम जो ही इंटर होते हैं तो सामने आपको यहाँ पे एक विंडो दी गई है, विंडो के साथ वॉशरूम, और इस साइड पे वार्डरोब, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक वार्डरोब, स्लाइडिंग वार्डरोब के जो डोर दिए गए हैं स्लाइडिंग है। वॉल पे आते हैं, दोनों साइड पे यहाँ पे सेम लैंप हैंग किए गए हैं जिस तरह दूसरे कमरों में थे। ऊपर इसकी सीलिंग स्पॉट लाइट यूज की गई है, बैक लाइट यहाँ पे यूज नहीं की गई, एसके कंपनी का फैन इंस्टॉल किया गया है। साथ इसके हम यहाँ से इंटर हो जाते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम में मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक विंडो दी गई है, सामने वॉशरूम का डोर, सामने मेन डोर। यहाँ से इंटर हो जाते हैं वॉशरूम में, आपको साथ इसका कमोड फ्लोर से लेके सीलिंग तक यहाँ पे टाइल, इस साइड पे इसका शावर एरिया, शावर एरिया के साथ ही वेंटी सेटअप, सिंपल सा मिरर इंस्टॉल किया गया और मिरर की बैक साइड पे लाइट यूज की गई है। ये अगर मैं बताता चलूँ तो यहाँ पे ये शीट यूज की गई है, वहाँ पे आपको मतलब कुछ एरिया में शीट यूज की गई है, कुछ एरिया में टाइल यूज की है। सामने विंडो दी गई है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन दिया गया है। तो यहाँ से हम साथ वाले सामने इंटर हो जाते हैं टीवी लाउंज में। व्यूअर्स टीवी लाउंज शैंडिलियर दिया गया, साइडों पे 2 SK कंपनी के फैन इंस्टॉल किए गए हैं, डबल यहाँ पे विंडो दी गई है। ऊपर सीलिंग में वुड वर्क किया गया है, ग्लास वर्क किया गया है, ग्लास वर्क की बैक साइड पे बैक लाइट यूज की गई है। सामने यहाँ पे मीडिया वॉल में
कुछ एरिया में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये शीट यूज़ की गई है, साइड पे इसका वुडवर्क किया गया है, स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप यूज़ की गई है, नीचे एक कंसोल बक्स दिया गया है। यहाँ से मैं आपको गेन दिखा देता हूँ, खूबसूरत मीडिया वॉल बनी हुई है। मीडिया वॉल के सामने आपको यहाँ पे इसका किचन, बेडरूम, सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम साइड पे यहाँ पे इंटर हो जाते हैं इसके बेडरूम में। सामने लैमिनेटेड सेफ्टी डबल ग्लेस विंडो दी गई है और फ्लोर से लेकर सीलिंग तक वार्डरोब डोर स्लाइडिंग दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पे एक बड़ा मिरर दे दिया गया, नीचे खूबसूरत केबिन बन गई हैं। इस साइड पे वॉल पे खूबसूरत वॉल डिज़ाइन दिया गया, लैंप हैंग किया गया, ऊपर इसके कंपनी का फैन इंस्टॉल किया गया, सीलिंग स्पोर्ट लाइट यूज़ की गई हैं। व्यूअर्स साथ ही इसका इस साइड पे आपको इसका वॉशरूम में हम जो ही इंटर होते हैं, सामने इस साइड पे आपको दो सीट दी गई हैं, एक सिंपल सीट दी गई है, कमोड दिया गया है, मोज़ेक की टाइल यूज़ की गई है, शावर एरिया सिंपल सा इसका, वेंटी सेटअप में बात करें टायर यूज़ की गई है, शीट यूज़ की गई है, सामने एक विंडो दे दी गई है, एग्जास्ट फैन दिया गया है और यह हाइटेड डोर दिया गया है। व्यूअर्स बैक से अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं इसकी बैक ओपन है और थोड़ा आगे मैं वो आपको ले चलता ऊपर छत से आपको वो व्यू करवा देता हूँ। तो साथ ही व्यूअर्स इंटर हो जाते हैं इसके किचन में, हाइटेड खूबसूरत डोर दिए गए हैं, सामने सिंक के सामने ऊपर एक विंडो दे दी गई है। यहाँ पे शेल्फ पे बात करें टोटल टाइल यूज की गई है, कैबिनेट्स एलिगेंट शीट यूज करके कैबिनेट्स इसकी टोटल बनाई गई है, ऊपर सीलिंग में स्पॉट लाइट यूज की गई है, एक लैंप हैंग किया गया है, बैक लाइट यूज की गई है। तो व्यूअर्स फ्लोर पे यहाँ पे वुड कलर में टाइल यूज की गई है, बर्नर किचन हुड यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। सामने से आप व्यू देख सकते हैं बाहर का, यहाँ पे बैक पे स्ट्रीट है और स्ट्रीट के बैक साइड पे आपको पार्क मिल जाता है। तो व्यूअर्स मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर छत वाले एरिया में, छत वाला एरिया आप देखेंगे तो बिल्कुल वहाँ से आपको क्लियर नज़र आ जाएगा पार्क वगैरह। व्यूअर्स यहाँ पे ग्रे जो टाइल यूज़ की गई है, ग्रेनाइट यूज़ किया गया, स्टेनलेस स्टील पाइप यूज़ किया गया, जो हम ऊपर इंटर होते हैं तो इस साइड पे यहाँ पे विंडो इंस्टॉल की गई है। व्यूअर्स यहाँ से हम इंटर हो गए हैं इसके छत वाले एरिया में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वेंट रूम दिया गया और इस साइड पे हम आते हैं सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पार्क दिया गया और स्ट्रीट बैक पे इसकी स्ट्रीट है। तो व्यूअर्स ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं ये एरिया यहाँ पे इसी तरह ओपन पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा लैंड पीछे पड़ी हुई है, जो कोई परचेज करना चाहे तो वो एक्स्ट्रा लैंड परचेज भी कर सकता है। इस साइड पे हम आ जाते हैं, व्यूअर्स जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे घर को परचेज करने में वो हमारे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर टैंक, ये सिमटेड वाटर टैंक है। मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे मैं इसका डोर ओपन करता हूँ सर्वेंट रूम का, ये आप देख सकते हैं सर्वेंट रूम में काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है और साथ इसके आपको यहाँ पे एक वॉशरूम भी दिया गया, प्रॉपर मतलब वॉशरूम भी दिया गया सर्वेंट रूम में। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे एक आराम से मतलब सर्वेंट रूम के लिए स्पेस काफ़ी दी गई है। जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिमांड की बात करें तो डिमांड मैं आपको बताता चलो इसकी 280 डिमांड है।